अच्छा देखो, हम लोग तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर जितना भी सम्स था, मैंने तीन या चार सम्स होमवर्क दिया था, दैट इज इलस्ट्रेशन 7 और 3, 2, 1, ठीक है। तो फटाफट एक बार ये कर लेते, करने के बाद आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते, क्योंकि हमें इसका नॉलेज तो हो ही गया है कैसे होगा। तो एक इलास्ट्रेशन 7 से ही करते हैं, ठीक है। ये मैंने होमवर्क भी दिया था तुम लोगों को, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले क्लास में किया, मतलब आज हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का थर्ड क्लास कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने किया था उसमें ही ये इलास्ट्रेशन 7 का क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल ऐसा ही था, थोड़ा सा इधर उधर है एडजस्टमेंट, और अमाउंट जो है थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है। मैम इलास्ट्रेशन 7 कर चुके हैं आई थिंक। इलस्ट्रेशन 7 हाँ किए लास्ट थे, हाँ। वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, यहाँ पर बस एक पॉइंट के लिए मुझे करवाना हो सकता है, दैट इज ये जो है बैड डेट रिटन ऑफ इन द अर्लियर ईयर रियलाइज्ड, क्या ये पॉइंट भी उसमें था क्या? ये चीज मुझे नहीं याद आ रहा है इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, वो एग्जाम का था, मतलब ये मैट का है, ठीक है। एक बार कर लेते चारों, तो जो भी हो मैंने जो दिया था वो हो जाएगा कंप्लीट। और ये वाला नहीं मिल रहा है, पर यहाँ इलास्ट्रेशन 7 कुछ और था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे एक बार कर लेते हैं, ये चारों ही बाकी था, बाकी जो भी है वो तुम लोगों ने किया है, एक बार कर लेते हैं, फटाफट रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या बोला है, तुम लोग मुझे आज बताओगे, ठीक है, कि किस तरह से होगा। अच्छा देखो, दिया हुआ है टोटल सेल्स अमाउंट टू 70,000 इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द बुक्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ट्रेडर फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 31 मार्च। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सेल बैलेंसिंग लेजर एक देखो, आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सेल बैलेंसिंग लेजर को, और एक बार हम पूरा चीज रिकॉल करवा देते हैं। ये एक पीरियोडिकली होता है, ईयर वाइज नहीं होता है। अगर ईयर वाइज ही करना होता तो उसके लिए तो ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है ना, ईयर वाइज करने का क्या जरूरत है। गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग मैम। तो ईयर वाइज करने का अगर जरूरत होता तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस अवेलेबल था। इसी कंसेप्ट को हमें क्या करना है, ये पीरियोडिकली होता है, छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं और उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि हमें कुछ एरर जो है इजीली डिटेक्ट हो जाए। ये सब कंसेप्ट के लिए, ये देखो एक छोटे से पीरियड के लिए हम लोग ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाते थे। अच्छा अब यहाँ पर देखो, टोटल सेल्स दिया हुआ है 70,000, जिसमें इंक्लूडेड है सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। बताओ, फर्नीचर बेचा है जिसका बुक वैल्यू 12,300, द टोटल कैश सेल वेर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है तुम लोगों से, कि बताओ कि ये ओल्ड फर्नीचर का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। मैम सेल्स से उसको ये करना चाहिए, लेस करना चाहिए, क्योंकि वो एसेट है। हाँ, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है, और ये फिक्स्ड एसेट है, और जब तक हमें ये ना बताया जाए कि ये इस फर्नीचर का ट्रेड कर रहा है जिसका हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तब तक हम लोग यही मानेंगे कि ये उसका स्टॉक नहीं है। हो सकता है वो फर्नीचर का बिजनेस करे, लेकिन नॉर्मली जब अकाउंट्स में ऐसे ही होता है, जब तक हमें फिक्स्ड एसेट के बारे में स्पेसिफाई ना किया हो कि ये फिक्स्ड एसेट का कुछ सेल वगैरह करता है, क्योंकि हो सकता है किसी का फर्नीचर दुकान हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग इसे फिक्स्ड एसेट ही ट्रीट करेंगे, नॉट स्टॉक। तो ये लेस हो जाना चाहिए सेल से, क्योंकि हम लोग तो डेटर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये तो क्या है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है। नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इनकम में फर्क क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इनकम में फर्क ये होता है कि अगर हम लोग जिस चीज पे डील कर रहे हैं, जो हमारा डेली का डीलिंग डे टू डे बिजनेस है, दैट इज आवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग गुड्स, और जो कभी कभार बेच दिया कुछ स्क्रैप के तरह, ठीक है, ओल्ड फर्नीचर है, देखो ये नाम से ही पता
पता चल रहा है, ओल्ड फर्नीचर मतलब ये फिक्स्ड एसेट था उसके लिए जो बिक गया है, तो फिर इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज हमें तो यहाँ डेटर का रिलेशन, डेटर रिलेटेड कुछ डेटा या फिर क्रेडिटर रिलेटेड डेटा ढूंढना होता है। अब डिपेंड कर रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में या तो डेटर ही दिया हुआ है, हमें प्रिपेयर करना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, तो इंकी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें ये माइनस कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है कि टोटल कैश सेल 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल, तो यहाँ हमें कैश सेल क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग इसका पॉइंट वन का वर्किंग नोट बना लेते हैं, देखो कैसे होगा। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अगर तुम लोग को याद आता है तो एक बार देख लो, दिखा देते हैं एकदम फर्स्ट डे जब हम लोगों ने, ये देखो ये स्लाइड अभी तक खत्म नहीं हुआ जिसमें हम लोगों ने सेल बैलेंसिंग लेजर स्टार्ट किया था। ये सारा क्वेश्चन का आंसर ही तुम लोगों से मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, टोटल सेल्स इंक्लूडिंग मोटर कार लेस मोटर कार सेल्स, अभी दिखाएंगे तो तुम लोग को याद आ जाए शायद, पूरा सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन सेवन वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसमें टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है 70,000 लेस फर्नीचर सेल, फर्नीचर का सेल, ये डेटर से रिलेटेड नहीं होता है तो ये माइनस कर देंगे फर्नीचर सेल। अच्छा फर्नीचर सेल है, अच्छा बताओ कितना माइनस करें, ये क्वेश्चन मैंने तब भी पूछा था, 10,000 ऑब्वियसली क्योंकि सेल 10,000 इंक्लूडेड होगा, 12,300 से क्या लेना देना, वो तो उसका बुक वैल्यू था, तो उसमें प्रॉफिट है लॉस है वो तो हमारा फर्नीचर अकाउंट में जाने वाला है, तो ये हो गया 60,000। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोला था, दैट इज द टोटल सेल्स, ये हो गया टोटल सेल्स इंक्लूडिंग लिख देना चाहिए, इंक्लूडिंग फर्नीचर मतलब फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट छोड़ के जो नॉर्मल सेल्स जो डेटा रिलेटेड होता है। अब इसका दो पोर्शन है, एक है कैश और एक है क्रेडिट, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देखो कैश सेल जो है वो टोटल कैश सेल वेयर 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल, तो अगर टोटल क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल बोल रहा है 80% लेस देन द टोटल क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल से 80% कम है, ठीक है, तो कितना हो गया 20, ठीक है 20, तो टोटल सेल आ गया 120। ये तो हम लोगों ने एक बेस बनाया है, इस बेसिस पे बताओ एक्चुअली क्या होगा कैश सेल और क्रेडिट सेल, यूनिटरी मेथड से बताओ। Therefore, 120 equivalent to कितना हो गया? 120 equivalent to 60,000। और अगर हम लोग बताओ, आवाज कट गया, कौन बता रहे थे? अगर 20 का equivalent निकाल लेते हैं तो कितना होगा? 60,000 divided by 120 into 20 कितना हो गया? 10,000। तो बताओ 10,000 ये कौन सा सेल है, मैंने किसका equivalent निकाला? 20, तो 10,000 कौन सा सेल हो गया? कैश सेल। तो क्रेडिट सेल कितना होगा? क्रेडिट सेल इस तरह से इसका भी इक्विवेलेंट कर लेंगे, 60,000 टोटल सेल दैट इज इक्विवेलेंट टू 120 और क्रेडिट सेल 100 माना था हम लोगों ने, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100 तो ये हो गया 50,000 और 50,000 का 80% लेस करके देख लो 10,000 ही आएगा, 50,000 का 80% 40,000, 50,000 से 40,000 लेस करेंगे तो कैश सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। अच्छा उसके बाद क्या बोला था, देखो उसके बाद बोला है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंट टू 60% ऑफ द
एग्रीगेटेड ऑफ द ओपनिंग डेटर एंड क्रेडिट सेल फॉर द पीरियड. तो कैश कलेक्शन क्रेडिट सेल पे ही होता है, कैश सेल पे तो नहीं होगा. कैश सेल में तो कैश कलेक्टेड ऑलरेडी है, अब कैश कलेक्शन करने का टेंशन रहता है क्रेडिट सेल पे. तो क्रेडिट सेल पे कलेक्शन हुआ है 60%, लेकिन नॉट ओनली क्रेडिट सेल, ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल मिला के 60% का कलेक्शन किया है इन लोगों ने. ओपनिंग डेटर देखते हैं कितना है. ओपनिंग डेटर ये देखो नीचे मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में भी इसी पॉइंट में ही था. सन्ड्री डेटर ऑन 1st of Jan. अब 1st of Jan से 31st of March का है, तो ओपनिंग यही हो गया. 6th नंबर पॉइंट पे जो दिया हुआ है 40,000, ठीक है, मुझे याद था, उस क्वेश्चन में भी यहाँ पर था, तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, एक बार यहीं से देख लिया, ठीक है. तो 60,000, तो यहाँ पर कलेक्शन लिख लेते हैं. कलेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कलेक्शन हो जाएगा 60% ऑफ, यानी इनटू कितना, ओपनिंग डेटर जो कि 40,000 है प्लस क्रेडिट सेल 50,000 आया है कैलकुलेशन करके. तो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 50,000 कितना होता है 90,000. 90,000 इंटू 60% कितना होगा, 54,000 हो गया. अच्छा, उसके बाद बोला है बिल्स रिसीवेबल. अच्छा, डिस्काउंट अलाउड टू देम अमाउंटेड टू 2,600. अब ये तो एक एंट्री हमें पास करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग पोस्ट कर देंगे. इसमें तो कोई वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है. जो भी कलेक्शन हुआ है उसमें 2,600 का डिस्काउंट अलाउड किया गया है. बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड टोटल 7,000. बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ है 7,000, ऑफ विच बिल्स अमाउंटिंग टू 3,000 वेयर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सप्लायर्स. हम पूछेंगे ये सब जर्नल एंट्री. आउट ऑफ दिस endorsed bill, a bills receivable for 1600 were dishonored for non-payment as the party become insolvent and his estate realized nothing. अच्छा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 5,000 वेयर डिसऑनर, ए सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल. बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर रियलाइज 2,500 और इसका ट्रीटमेंट हो चुका है. हमें क्या प्रिपेयर करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर. हमें डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है इन जनरल लेजर. तो इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अच्छा बताओ, ये सीधा डेटर या उल्टा डेटर, बताओ इसमें कैसा पोस्टिंग होना चाहिए, सीधा डेटर है या उल्टा डेटर है. अगर यहां पर डायरेक्टली डेटर लेजर लिखा हुआ है तो बताओ सीधा डेटर है या उल्टा डेटर है, कैसे पोस्ट होगा. सीधा डेटर है. हाँ, सीधा डेटर है. जब यहाँ पर डेटर रिलेटेड, ये तो जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर ओपन हो रहा है तो सीधा डेटर है ना. ये देखो डेटर लेजर के अंदर हम लोगों ने लेजर अकाउंट ओपन किया था. अब जनरल लेजर जो है वो हमें प्रिपेयर करना पड़ा था डेटर लेजर के अंदर, तब तो उल्टा हो गया था बैलेंस. अब यहाँ पर देखो क्या हुआ था, जनरल लेजर के अंदर जब हम लोग डेटर लेजर बनाए, ये देखो जब डेटर लेजर बनाए तो वो सीधा ट्रीटमेंट होगा, ठीक है. तो जो भी हो यहाँ पर देखो कैसे करके हमें आइडेंटिफाई करना, ये सब तो मैंने बताया भी था. ये देखो जनरल लेजर दिया हुआ है, अगर डेटर लेजर यहाँ पर डेटर लिखा हुआ है तो इसे डेटर अकाउंट ट्रीट करेंगे. मैंने कहा भी था डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, यानी ये डेटर अकाउंट है, सीधा सा बात है, ठीक है. अच्छा, अब डेटर में जैसे टू बैलेंस बीडी होना चाहिए. टू बैलेंस बीडी अभी हम लोगों ने देखा था, ओपनिंग बैलेंस 40,000 है. अच्छा, बाई बैलेंस सीडी वो तो अभी तक कुछ मिला नहीं हमें. यहां पर लिखना पड़ेगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, यहां पर लिखना पड़ेगा बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट. अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे. अच्छा, फर्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल सेल्स अमाउंटिंग 70,000. अच्छा, इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, तो इसका कैलकुलेशन करके हमारे पास कैश सेल आया है 10,000. तो कैश सेल का एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स. तो ये तो डेटर अकाउंट है, ना तो कैश अकाउंट है ना तो सेल्स अकाउंट, इसका पोस्टिंग तो नहीं होगा. क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना हुआ है 50,000. एंट्री क्या होगा, क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स. तो टू साइड में जाएगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सेल्स कितना लिखेंगे, क्रेडिट सेल जितना है 50,000. अच्छा, फिर कलेक्शन हुआ है 54,000 का, तो कलेक्शन का एंट्री क्या होता है, कलेक्शन करने से एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर. तो अगर ये डेटर अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर बैंक लिखेंगे या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं. कलेक्शन
फ्रॉम डेटर 54,000। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड किया गया है, जब कलेक्शन हुआ डिस्काउंट अलाउड किया गया 2600, बताओ डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या होगा, उसी हिसाब से पोस्ट करेंगे, अगर होगा तो पोस्ट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। डिस्काउंट अलाउड डेटर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड करने से हमारा डेटर जो है वो कम होगा। एक चीज अगर देखो तो जब भी सीधा डेटर अकाउंट में डेटर कम होता है तो इधर होगा, डेटर ज्यादा हो रहा है तो इधर होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 2600। अच्छा ये सब एंट्री तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछते हैं बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द पीरियड 7000, पहले ये ट्रांजैक्शन जो 7000 का इसका एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स टू डेटर, हाँ बिल्स टू डेटर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। देखो बिल्स ड्रॉ करने से डेटर कम होता है, मतलब कम क्यों होता है, क्योंकि डेटर कैंसिल हो जाता है इसीलिए, और उसका एंट्री मैंने दिखाया था कैसे होता है, बी आर टू डेटर होता है। तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, पहले बिल्स ड्रॉन का एंट्री हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट बताओ 3000 का बिल्स एंडोर्स्ड कर दिया इन फेवर ऑफ सप्लायर, मतलब एडजस्टमेंट, सप्लायर मतलब क्रेडिटर को पैसा ना देके 3000 मिलने वाला था उसे बिल पकड़ा दिया, ठीक है ये बिल्स रिसीवेबल रखो जो मेरा था अभी तुम रखो, और जो बिल्स पेएबल पार्टी है वो मेरे को ना देके तुम्हें दे देगा। तो बताओ एंडोर्समेंट का एंट्री क्या होगा, एंडोर्स करने से कंडीशन क्या अराइज होता है वो बता देते हैं, बिल्स चला जाएगा क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, अगर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर खत्म होता है, पेमेंट के जगह कुछ और दे रहे हैं तो भी तो क्रेडिटर मेरा खत्म हो रहा है, तो बताओ एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर खत्म और बिल्स चला गया, ये दो पॉइंट हो रहा है, बताओ क्या एंट्री होना चाहिए, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, क्रेडिटर खत्म होगा तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर अगर क्लोज हो जाएगा तो एंट्री क्या होगा, डेबिट क्रेडिट अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये तो ना तो डेट, ये ना तो क्रेडिटर अकाउंट ओपन करके रखा है हम लोगों ने जनरल लेजर के अंदर, ना तो बिल्स रिसीवेबल, तो क्या ये पोस्ट होगा, नहीं ना नहीं ये पोस्ट नहीं होगा, हो गया ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो आउट ऑफ दिस एंडोर्स्ड बिल, मतलब ये 3000 का जो बिल एंडोर्स्ड हुआ था उसमें से एक बिल है 1600 का, अब ये एक ही बिल है ऐसा तो नहीं बोला है, तो इसमें जो 1600 वाला बिल है वो डिसऑनर हो गया है फॉर नॉन पेमेंट। अब डिसऑनर होने से सिचुएशन क्या होगा सुनो, क्रेडिटर को हम लोगों ने बोला हम पैसा नहीं दे सकते अब बिल रख लो, जब बिल जब मैच्योर होगा मतलब जब उसका टाइम कंप्लीट होगा तो जो पेएबल पार्टी है वो 3000 दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जो 1600 वाला बिल था उसका जब पेमेंट करने का टाइम आया तो जो पेबल पार्टी है वो डिसऑनर हो गया, मतलब वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया। अब क्रेडिटर जाके किसको बोलेगा, जिसने बिल दिया था, बिल कौन दिया था, जिसके पास बिल था, जिसने डेटर, ठीक है वो क्रेडिटर का डेटर, वो बोलेगा देखो आपने ये जो बिल दिया और जिसका नाम लिया था कि वो मुझे पेमेंट कर देगा उसने तो किया नहीं, अब मेरा प्रॉब्लम देखो मेरा तो क्या हो गया, मुझे तो पेमेंट नहीं मिलेगा, तो हम आपको फिर से डेटर बनाएंगे, जो क्रेडिटर है ना जिसे एंडोर्स किए थे वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हम आपको फिर से डेटर बनाएंगे, तो वो अपने बुक्स में एंट्री करेगा डेटर टू बीआर, क्योंकि जब डेटर टू बी आर, और जो डेटर था इसके रिगार्डिंग मतलब इसका जो डेटर था वो क्या बोलेगा, वो अपने डेटर को बोलेगा कि तुमने तो टाइम पे पैसा दिया नहीं, इसीलिए क्रेडिटर आके मुझे बोल रहा है कि मुझे 1600 पेमेंट नहीं मिला, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें फिर से डेटर बनाएंगे, तो डेटर बना लेगा, और डेटर टू क्या करेगा, डेटर टू करेगा क्रेडिटर, क्यों बताओ क्रेडिटर मतलब बिल्स रिसीवेबल, हाँ क्योंकि एंडोर्स जब किया था तो उसका एंट्री क्या हो गया था, जब वो एंडोर्स कर दिया था तब वो, अभी तुम लोगों ने बताया क्रेडिटर टू क्या हो गया था, क्रेडिटर टू बीआर हो गया था, बीआर तो इसके पास है नहीं तो बीआर को तो लिख नहीं सकता है, वो क्या कर सकता है, वो क्रेडिटर को फिर से क्रेडिट करेगा, डेटर को फिर से डेबिट करेगा, जब भी कोई डिसऑनर होता है ना तो फिर से उसे उसी कंडीशन में लेके चले जाएंगे जो कंडीशन में वो था, मतलब जो डेटर था वो डेटर बनेगा, जो क्रेडिटर था वो क्रेडिटर बनेगा। तो यहाँ पर डेटर में क्या एंट्री हो जाएगा, तो डेटर अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट में ये डेटर अकाउंट
हाँ डेटर टू क्रेडिटर। अब एक चीज कंफ्यूज मत हो जाओ, हमें इस क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग इसका तो नहीं बना रहे ना, हम लोग इसका अकाउंट बना रहे हैं, तो ये लिखना नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है टू क्रेडिटर बोल के बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है। 1600 का यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 1600। अच्छा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ द पार्टी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया फॉर नॉन पेमेंट एज द पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट। अब डिसऑनर इसीलिए हुआ था, उसके पास कुछ पैसा वैसा है नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड हिज एस्टेट रियलाइज नथिंग, और उसके पास से कुछ भी और रियलाइज हम लोग कर नहीं सकते। मतलब होता है अभी पैसा नहीं दिया, फिर से न्यू बिल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ 50% 30% मिल गया, लेकिन बोल रहा है कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब 1600 वाले से और कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। तो ये क्या बन गया, मतलब कंफर्म हो गया, बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होगा, बैड डेप्ट का एंट्री बता दो, बताओ बैड डेप्ट का एंट्री। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू डेटर। हाँ बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, जैसे ही बैड डेप्ट होगा, डेटर कम हो गया ना, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेप्ट हो गया 1600। अच्छा उसके बाद फोर्थ नंबर, चेक रिसिप्ट फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ 5000 वेयर डिसऑनर। चेक मिला था लेकिन जब चेक हम लोगों ने जमा किया जो ड्रॉप बॉक्स होता है उसमें, तो वहां पर उसके बाद पता चला कि चेक डिसऑनर हो रहा है। अच्छा ए सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल। अच्छा जो कस्टमर था उसका चेक जो था वो तो डिसऑनर हुआ ही, ठीक है। तो फिर चेक डिसऑनर होने से हम लोग कस्टमर को एक बार बताएंगे फोन करके कि देखो आपने जो चेक दिया है वो डिसऑनर हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग हमें तो पेमेंट नहीं मिलने वाला, तो हम लोग आपको फिर से डेटर बनाएंगे, क्योंकि आपने जब चेक दिया था तो मैंने तो आपका डेटर अकाउंट कैंसिल कर दिया था, डेटर टू सेल था। अब जब उसने चेक दिया तो हम लोगों ने लिख दिया बैंक टू क्या कर दिया, डेटर, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया है तो फिर से डेटर को रेज करना पड़ेगा, फिर से डेटर को रेज करना पड़ेगा। फर्स्ट तो ये 5000 वाले का एंट्री, तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा चेक डिसऑनर, ठीक है। जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो डेटर बढ़ रहा है, ठीक है, डेटर बढ़ रहा है, उसी तरह से जैसे ही चेक जो है वो डिसऑनर होगा तो डेटर बढ़ेगा। ये तो गया फर्स्ट जो कंसेप्ट था 5000 का। फिर 500 बोल रहा है इररिकवरेबल, मतलब और कभी नहीं मिल सकता है, सेम कंसेप्ट लाइक 1600, तो इसे भी क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट हो गया, बैड डेप्ट हो गया, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे बैड डेप्ट, या फिर दोनों को टोटल करके भी हम लोग लिख सकते हैं 500। अच्छा उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर, पिछले साल बैड डेप्ट राइट ऑफ हुआ था, अभी रियलाइज्ड हुआ है, तो बताओ इसका एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट रियलाइज्ड का एंट्री क्या होता है, पैसा मिल रहा है ना, रियलाइज्ड मतलब क्या, पैसा मिल रहा है, कैश टू डेटर्स, कैश टू डेटर नहीं होगा, कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, बैड डेप्ट रिकवरी, ओह हां बैड डेप्ट, कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, क्योंकि डेटर तो पहले कैंसिल हो गया था, पहले ऐसे हुआ था डेटर टू सेल, जब सेल किए थे हम लोग, जब वो बैड डेप्ट कर दिया तब हम लोगों ने कर दिया बैड डेप्ट टू डेटर, तो डेटर का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, नेट एंट्री हो गया बैड डेप्ट टू सेल्स, ठीक है। अब पैसा मिल गया तो क्या हो जाएगा, कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, इस तरह से, ठीक है, कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, और यहाँ पर एंट्री हो गया कैश टू बैड डेप्ट रिकवरी, तो ना ये कैश अकाउंट है ना तो ये बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट है, तो इसका पोस्टिंग क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, इसका पोस्टिंग नहीं होगा। अच्छा और ये लास्ट वाला तो हम लोगों ने पोस्ट कर ही दिया है, बस कंप्लीट, अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अच्छा देख लो कितना हो रहा है, 40,000, 50,000, 90, 95, 96,600, 96,600, अच्छा 54,000, 2,600, 7,000 और 1,600 plus 500, 65,700 minus 96,600, अच्छा 30,900 बैलेंस, 30,900। अच्छा
अच्छा ये हो गया इलास्ट्रेशन सेवन। अच्छा इसके बाद देखते हैं कौन सा है। इलास्ट्रेशन थ्री, ठीक है। इलास्ट्रेशन थ्री भी हम लोगों ने जो ने मतलब लास्ट दिन क्लास किया था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने सिर्फ एक ही सम्स करवाया था क्योंकि समझाते हुए एक ही सम्स करने का हमें टाइम मिला था, लेकिन नेक्स्ट दिन एक कुछ और एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसे डेटर था पी क्यू आर एस टी करके, ठीक है, या फिर ए बी सी डी ऐसा कुछ था, तो उसी तरह का है क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या है, द समराइज्ड एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेटर ऑफ ए फर्म एट द डेट ऑफ द अमाउंट क्लोजिंग एट द डेट ऑफ द एनुअल क्लोजिंग ऑफ द अमाउंट एज अंडर। तो जब क्लोज हो रहा था तो ये डेटा हमें पता चला, एक दो तीन चार फाइव डेटर्स है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, किसको कितना किया गया है, गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, कैश कलेक्शन दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड दिया हुआ है। डेटर्स बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 4500, मतलब ओपनिंग डेटर का बैलेंस दिया हुआ है 4500 टोटल, डेटर बैलेंस बोला है, पी क्यू आर एस टी का इंडिविजुअल नहीं बोल रहा है, ओवरऑल यानी सबका मिला के। आउट ऑफ द अबव रिसीप्ट ऑफ ए बिल फॉर 700, मतलब ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल, इसमें से 700 वाला जो बिल है गिवन बाय एस, अच्छा एस ने जो एक्सेप्ट किया था जो बिल्स रिसीवेबल, वॉज डिजॉनर, वो डिजॉनर हो गया, मतलब एस का 1000 में से 700 का बिल्स डिजॉनर हो गया है। नोटिंग चार्जेस अमाउंट टू 20। अब नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जैसे ही बिल डिजॉनर हो जाता है एक लीगल रूल्स होता है, रूल्स क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के बाहर जो नोटरी पब्लिक बैठते हैं उनके पास जाके नोटिंग, मतलब जस्ट एक नोटिंग करवाना पड़ेगा कि हाँ ये बिल डिजॉनर, मतलब प्रूफ के लिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो वो लोग नोटिंग चार्जेस लेते हैं वो लिख के देने का कि हाँ ये बिल डिजॉनर है। अब ये नोटिंग करवाने का हेडेक उसी को रहेगा जिसको पैसा मिलने वाला था, ठीक है, यानी जिसने क्रेडिट पे सेल किया था एस को, तो एस को जब ये ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे सेल किया था और एस ने बोला था मुझे पेमेंट करने में टाइम लगेगा, मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर लो, तो इन लोगों ने 1000 का बिल ड्रॉ किया। अब पेमेंट का जब टाइम आया 700 वाला बिल डिजॉनर हो गया। अब डिजॉनर हुआ तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हेडेक है, क्या पता ये पैसा ना दे, मेरा बैड डेप्ट हो जाए, हम मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है जिसपे एस ने साइन करके रखा है कि उसे पेमेंट करना चाहिए था, ठीक है। अब इसको जाके नोटिंग करवाना पड़ेगा तभी ये वैलिड होगा, तो जाके नोटिंग करवाया, नोटिंग करवाने से खर्चा हुआ 20 रुपीज। अब कौन दिया होगा, जो गया होगा नोटिंग करवाने के लिए वही दिया होगा, लेकिन वो एस को बाद में ये बताएगा, देखो आपने तो 700 दिया नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो 700 दिया नहीं, आप बोल रहे हो बाद में दे दोगे, ठीक है, सपोज एस बोल रहा है कि हम बाद में दे देंगे, लेकिन आपने ये जो बिल्स को डिसऑनर किया उसके लिए मुझे नोटिंग करवाना पड़ा क्योंकि ये लीगल प्रोसीडियर है, और उसके वजह से मेरा 20 रुपीज का और भी खर्चा हो गया जो आपको देना पड़ेगा इस 700 के बिल के साथ। मतलब बात ये है, नोटिंग जब होता है तो जो नोटिंग करवाने जाता है कौन करवाने जाएगा, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा। बिल्स रिसीवेबल किसके पास होता है, जो बिल्स ड्रॉ करवाता है, जो बिल्स ड्रॉ करता है, ठीक है, मतलब जो पार्टी सेलर होता है उसी को हेडेक है पैसा मिलने का, ठीक है। जो मतलब बायर है उसे क्या टेंशन, वो अपना खरीद के लेके चला गया 1000 रुपीज का सामान, ठीक है। तो ये जो नोटिंग करवाया है, नोटिंग करवाएगा वो जो सेल किया था, ठीक है। अब लेकिन वो रिकवर किससे करेगा, जिसके वजह से ये नोटिंग चार्जेस लगा है, यानी उस डेटर से, डेटर से ये रिकवरी करेगा। प्रिपेयर करने बोला है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर लेजर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक बना के देते हैं, तुम लोग दूसरा वाला कर सकते हो, तो हम जो उल्टा डेटर है वो बना के दिखाते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग सीधा डेटर इजीली कर पाओ, अगर हो तो दोनों ही कर देते हैं। अच्छा तो सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, इलास्ट्रेशन थ्री का वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा, ये देखो, टोटल हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कैश कलेक्शन कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्काउंट अलाउड कैलकुलेट करेंगे, टोटल बिल्स रिसिप्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा टोटल सेल्स, टोटल सेल्स जस्ट एक बार टोटल करके बता दो, ठीक है, हम लिख नहीं रहे, तुम लोग चाहो तो इसे लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। तो 32। अच्छा तो टोटल सेल्स 32,000। अच्छा उसके बाद टोटल क्या है, देखते हैं टोटल क्या है, उसके बाद टोटल रिटर्न, तो ये तो कितना हो रहा है 1000 और ये हो रहा है 2000, 3000, है ना,
यस मैम 3000 हाँ 3000 हो रहा है 3000। अच्छा तुम लोग चाहो तो पूरा लिख सकते हो, नहीं तो फिर नहीं पता चलेगा कैसे हुआ। अच्छा उसके बाद कैश कलेक्शन, तो 8, 2, 10, 10 और 6, 16, 16 और 3, 16 और 1, 17, 17 और 3 कितना हो गया 20 कैश कलेक्शन 20 यस मैम कैश कलेक्शन हाँ 20,000 ये हो गया 20,000। अच्छा उसके बाद कैश कलेक्शन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है 2,000, 1,500 and 500 डिस्काउंट अलाउड, टोटल डिस्काउंट अलाउड ये हो गया 2,000। अच्छा उसके बाद था बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब जो ड्रॉ किया गया है, ड्रॉ करने के बाद क्या होता है जो पार्टी है वो साइन करके फिर से वापस कर देता है क्योंकि इसी के पास रहना जरूरी होता है जो बिल ड्रॉ करता है, तो 2000 देखो बिल्स रिसीवेबल हो गया 2000। अच्छा और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर था 700, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ये है 700। अब हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो एक है इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेटल लेजर अकाउंट, डेटल लेजर एडजस्टमेंट और यहां पर ही हो जाएगा दोनों, इन डेटल लेजर एडजस्टमेंट जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा यहां पर, छोटा सा सम्स है दोनों ही करके दिखाते हैं कैसे होगा। अच्छा बताओ एक बार बता दो जस्ट कौन सा सीधा डेटर है कौन सा उल्टा डेटर है, इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और डेटल लेजर इन डेटल लेजर ठीक है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर डेटल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सीधा है ये है, हम एक बार समझने के लिए लिख देते ये सीधा है ये उल्टा है ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में दोनों ही दे दे तो भी हम लोग कर पाएंगे, अगर दोनों दे दे तो ऑब्वियसली हम लोग पहले सीधा वाला ही करने का कोशिश करेंगे फिर उसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग, टू बैलेंस बीडी होता है डेटर का। अच्छा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर यहाँ पर बता दिया है 4500, ओपनिंग डेटर बता दिया है 4500, अगर यहाँ पर इधर आएगा तो इधर यहाँ पर इधर आएगा बाई बैलेंस बीडी 4500 ठीक है ये हो गया। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे टू अच्छा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट और बाई डेटर लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा अब एक एक एंट्री रीड करते जाएंगे। अच्छा यहाँ पर आउट ऑफ दिस रिसिप्ट 700 इज ऑनर, अच्छा चार्ज नोटिंग चार्जेस, अच्छा पूरा ही तो लिखा हुआ है यहाँ से ही करते हैं, ये तो मेरे पास सारा लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या है टोटल सेल्स ठीक है, अब कुछ नहीं बताया है तो पूरा क्रेडिट सेल ही मानेंगे, टोटल सेल्स 32,000 तो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा डेटर टू क्या हो जाएगा डेटर टू सेल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स कितना 32,000। अब ये उल्टा डेटर है अगर सेल्स इधर आ रहा है तो इसका सेल्स इधर आएगा कितना हो जाएगा 32,000। अच्छा सेल्स के बाद क्या है टोटल रिटर्न, बताओ रिटर्न करने से डेटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, रिटर्न करने से डेटर कम हो जाएगा और एंट्री क्या होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न या फिर सिर्फ रिटर्न भी चलेगा, सेल्स रिटर्न है 3000 तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सेल्स रिटर्न, दोनों ही करके दे रहे हैं सेल्स रिटर्न 3000 ठीक है। अच्छा उसके बाद रिटर्न के बाद कैश कलेक्शन है 20,000, कैश कलेक्शन होने से भी डेटर कम होगा इधर आएगा, देखो एंट्री क्या होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो कैश कलेक्शन है 20,000 तो इधर लिखेंगे इसका उल्टा हो जाएगा कैश कलेक्शन 20,000। अच्छा कैश कलेक्शन 20,000। अच्छा नेक्स्ट 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 डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड करने से भी डेटर कम होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, तो डिस्काउंट अलाउड इसका अमाउंट था 2000 यहाँ पर भी लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड, इसका अमाउंट हो जाएगा 2000 ठीक है। अच्छा बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो बिल्स रिसीवेबल कौन रिसीव करेगा डेटर, रिसीव्ड मतलब एक्सेप्ट करना, तो एंट्री क्या होगा बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाई
बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 2000, अच्छा बी आर रिसीव 2000, इधर हो गया। अच्छा अब क्या है, बिल्स रिसीवेबल डिजोनर, तो डिजोनर होगा तो डेटर फिर से रेज होगा, क्योंकि बिल्स ड्रॉ करने पे डेटर तो कैंसिल हो जाता है, तो बी आर डिजोनर कितना है 700, तो इसका इधर हो जाएगा बी आर डिजोनर, इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 700। अच्छा और क्या बचा है, और नोटिंग चार्जेस था, ठीक है नोटिंग चार्जेस वहां पर मैंने नहीं लिखा, नोटिंग चार्जेस था, तो बताओ नोटिंग चार्जेस अगर डेटर से लेंगे, नोटिंग चार्जेस अगर डेटर से लेंगे तो एंट्री क्या होगा, डेटर से नोटिंग चार्जेस का पैसा लेंगे, क्यों लेंगे वो तो मैंने बता दिया, बताओ एंट्री क्या होगा, डेटर से अगर कुछ पेमेंट मिलेगा चाहे वो कोई भी रीजन हो, डेटर डेबिट होगा, डेटर डेबिट होगा, डेटर से पैसा लेंगे, डेटर डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, ठीक है तो यहाँ पर तो ये इधर हो जाएगा चार्जेस, नोटिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं। अच्छा नोटिंग चार्जेस या फिर चार्जेस, मैंने चार्जेस लिख दिया, तुम लोग नोटिंग चार्जेस लिख लो। अच्छा इधर हो जाएगा इसका चार्जेस, अब कोई भी एक क्लोज कर देते हैं। अच्छा इधर ज्यादा होगा 32,000 है ना, इधर 32,000 प्लस 4,500 प्लस 700 प्लस 20, तो ये हो गया 37,220, 37,220 माइनस 20,000 माइनस 22,467,000, अच्छा ये हो गया 10,220 बैलेंस। अच्छा इसका बैलेंस, इसका मतलब इधर आ जाएगा, बस देख के यहाँ पर लिख देते हैं 37,220, इसका क्लोजिंग हो जाएगा 37,220। और जब एग्जाम में सपोज अगर सिर्फ ये वाला आया उल्टा डेटर, तो तुम लोग को क्या करना है, एक बार सीधा डेटर का एंट्री जो है वो सोच लेना है दिमाग में, और ये देख लेना है कि अगर ये टू साइड होता तो ये इसका बाई साइड जाएगा, अदरवाइज एक रफ में छोटा सा अकाउंट बना लो और उसको पुट करते जाओ और उसका रिवर्स यहाँ पर पुट करते जाओ, तो एकदम सही होगा, अदरवाइज प्रैक्टिस से भी ये सही हो जाता है। अच्छा ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा इलास्ट्रेशन थ्री, अच्छा इलास्ट्रेशन थ्री के बाद इलास्ट्रेशन टू। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर सारे डेटर का अकाउंट इंडिविजुअली प्रिपेयर करने के लिए कहा है, नहीं तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था तो ये नहीं भी करवाएंगे तो चलता, लेकिन यहाँ पर बोला है कि सारा डेटर का अकाउंट इंडिविजुअली प्रिपेयर करो। समरेस कीप्स इज लेजर ऑन सेल बैलेंसिंग सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट एंड द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन सेल्स लेजर। अब मैंने कहा था सेल्स लेजर जो होता है वही डेटर लेजर होता है, ठीक है तो सेल्स लेजर डेटर लेजर सेम चीज है, जैसे कि क्रेडिटर लेजर और बॉट लेजर सेम होता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2013। अच्छा इंडिविजुअल डेटर का बैलेंस दे दिया, तो सबसे पहले तो हमें इंडिविजुअल डेटर का अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, ठीक है तो यहाँ पर ऐड करके हमें बैलेंस नहीं कैलकुलेट करना है, सारे डेटर का इंडिविजुअल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अच्छा डेटर का नाम है यहाँ पर इलास्ट्रेशन टू, डेटर है ए, ए अकाउंट, पहले सारे डेटर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। ए बी सी डी चार डेटर है, अच्छा ए बी सी और डी अकाउंट, अच्छा सारे डेटर का इंडिविजुअल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सबका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो डेटर का ये तो नॉर्मल कर रहे हैं, इससे सेल बैलेंसिंग लेजर का कोई लेना देना नहीं है, हमने बोला है कि सारे डेटर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ, तो टू बैलेंस बी डी करके ये सारा अमाउंट पुट हो जाएगा 15,30, 16,20, 2 बैलेंस बी डी 16
ट्वेंटी टू बैलेंस बी डी 1890 और 100 1170 1890 और 1170 अच्छा ये तो पुट हो गया. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू ए, तो बताओ एंट्री क्या होगा, ए को गुड्स सोल्ड किया है तो एंट्री बताओ, तभी हम लोग ए का अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे. ए टू सेल, ए टू सेल्स, तो ए टू सेल्स कितना हो गया 1710. डेटर बढ़ गया, देखो सेल करने से डेटर बढ़ता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेटर इंक्रीज या डिक्रीज वो देखना है. रिसिप्ट फ्रॉम बी ऑन अकाउंट 300, मतलब बी का जो बी को बी से जितना मिलना था उसमें से हम लोगों को 300 मिला है, तो बताओ एंट्री क्या होगा. कैश अकाउंट डेबिट टू बी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, तो बाई कैश 300. तो देखो डेटर कम हो रहा है, जैसे ही पैसा मिल रहा है डेटर कम हो रहा है, 1620 मिलने वाला था 300 मिल चुका है. अच्छा उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम ए 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस बैलेंस इन 1/1/2013, मतलब 1530 का जो बैलेंस था जो कि ओपनिंग 1/1/2013 का था, उसमें से ये देखो 1/1/13 का उसमें से 1500 मिल गया, लेकिन वो भी फुल सेटलमेंट के साथ, तो बताओ क्या एंट्री होगा. फुल सेटलमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू 1500 और डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर अकाउंट क्रेडिट 1530. हाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 30 हो जाएगा टू ए, ए डेटर का नाम है यहाँ पर ए, तो ए लिखना पड़ेगा हमें, तो ए में क्या लिखेंगे, पैसा मिल रहा है तो बाई कैश, लेकिन 1530 के जगह 1500 मिला जो कि फुल सेटलमेंट के साथ है, यानी डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है कितना 30 रुपीस, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, नहीं भी बताए तो दिख रहा है 30 रुपीस का डिस्काउंट अलाउड हो गया. अच्छा उसके बाद सोल्ड गुड्स टू बी, इसका भी सेम एंट्री होगा, बी टू सेल्स, अभी जैसे ए वाला था तो ये हो गया बी टू सेल्स 600. अच्छा बी टू सेल्स हो गया. बी रिटर्न गुड्स विच वेयर डैमेज्ड इन ट्रांजिट अमाउंटिंग टू 180, बताओ बी अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो क्या एंट्री होगा. सेल्स रिटर्न डेबिट टू, सेल्स रिटर्न डेबिट मतलब डेटर कम हो जाएगा, बाई सेल्स रिटर्न, सी कर रहा है ना, एक बार देख लेते हैं, बी रिटर्न, अच्छा सॉरी बी में था, 180 हो जाएगा बाई रिटर्न 180. अच्छा उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम सी 1800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 90, इसका क्या एंट्री होगा, वैसे ही होगा ना जैसे ए का हुआ था, रिसीव फ्रॉम सी 1800, ठीक है तो सी से 1800 रिसीव हो रहा है. अच्छा 180 लिख, ये इसमें थोड़ी ना था. अच्छा ये देखो सी से बाई बैंक या कैश बोल के हम लोग लिखेंगे 1800 रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट 90 हो रहा है, ये दिख रहा है बाई डिस्काउंट अलाउड 90, डिस्काउंट अलाउड 90 हो गया. अच्छा उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 1200 एक्सेप्टेड बाय एक्स पेएबल ऑन 25th of January, इसका मतलब देखो रिसिप्ट फ्रॉम ए, ए से क्या मिला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने का 1200 का, एक्सेप्टेड बाय एक्स पेएबल ऑन 25th January, इसका मतलब ये होता है कि ए डेटर था, किसका डेटर था, ये नाम तो दिया हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन का, समरिस, ठीक है तो समरिस जो इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं इनका डेटर ए था, ए जो है ए अपना पेमेंट कैश में ना करके उसके बिहाफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए और एक्स के अंदर ड्रॉ किया गया था और एक्स ने उसे एक्सेप्ट किया था, और एक्स ये पेमेंट करने वाला है 25 जनवरी को, यानी पेमेंट अब ए को ना करके समरिस को करेगा, मतलब सीधा सा बात है एंडोर्समेंट का यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है मतलब यहाँ पर तीन पार्टी है, ये देखो यहाँ पर तीन पार्टी, एक समरिस, ए और एक्स, समरिस और ए में ट्रांजैक्शन हुआ है, ए और एक्स में ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है ए और एक्स में रिलेशन क्या है, ए और एक्स में रिलेशन ये है, एक्स डेटर है किसका, ए का, और एक ए ए का डेटर है, ए का डेटर है एक्स, और समरिस और ए में रिलेशन ये है कि समरिस का डेटर है
ए, ठीक है। अब ए क्या करेगा, ए को पेमेंट करना था, समरेस को पेमेंट ना करके जो इसके डेटर एक्स ने 1200 का बिल्स इससे ड्रॉन करवाया था अपने ऊपर, वो बिल ये समरेस को दे दिया है। अब बताओ इसका एंट्री क्या होगा, रिसीव्ड फ्रॉम ए ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1200। मैम बी आर टू डेटर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा हाँ, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। तो ए में क्या लिखेंगे, बाई बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। तो बाई बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया 1200। अच्छा उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट फ्रॉम बी 900, बी से 900 मिला है पेमेंट, तो बी के अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई कैश, कितना हो गया 900। अच्छा 900। उसके बाद यहाँ पर ए बिल रिटर्न्ड डिसऑनर, ए बिल रिफंड डिसऑनर। अच्छा ए ने जो बिल दिया था मतलब एक्स पे नहीं कर पाया, मतलब एक्स पे नहीं कर पाया और डिसऑनर हो गया। तो समरेस ए को बताएगा कि एक्स जो 25 तारीख को मुझे पे करने वाला था ना, वो पे नहीं किया, वो डिसऑनर हो गया है। तो क्या करे, तो क्या होगा, समरेस बोलेगा हम फिर से तुम्हें डेटर बनाएंगे, ठीक है, फिर से तुम्हें डेटर बनाएंगे, डेटर बढ़ जाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर। तो यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट तो वही रहेगा जो बिल एंडोर्स हुआ था 1200। अच्छा उसके बाद डी बिकम इंसॉल्वेंट, डी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और 30 पैसा इन रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अच्छा तो डी इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 30 पैसा इन ए रुपी यानी 30% रिकवर कर सकते हैं, तो बाई बैंक 30% रिकवर कर सकते हैं जो मिलेगा उसमें से, तो 1170 का 30%। अब देखो इससे इस साल कुछ भी सेल नहीं किया है, प्रीवियस ईयर वाला ही है, तो 351 रिसीव हो गया और बाकी जो रिसीव नहीं हुआ उसे क्या लिखेंगे, 819 आ रहा है। बताओ इसे क्या लिखे जो रिसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड नहीं, बैड डेट लिखेंगे। हाँ बैड डेट। अच्छा हाँ, डिस्काउंट अलाउड तो नहीं हो रहा, बैड डेट हो गया है, लॉस। अच्छा और लास्ट एक पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू सी 1020, ठीक है। तो सी को फिर से सेल किया गया है, तो टू सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो जाएगा 1020। अच्छा ये बन गया सारा अकाउंट, अभी से हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 1530 प्लस 1710 प्लस 1200, तो ये हो गया 4440 माइनस 1500 माइनस 1230, तो ये हो गया 1710 बाई बैलेंस सीडी, मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और ये बैलेंस इधर आ रहा है, यानी डेबिट बैलेंस आया है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 1620 है तो यही ज़्यादा होगा, ये 2220 आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, 1620 प्लस 600, हाँ 2220 माइनस 300 माइनस 900 माइनस 180, तो ये हो गया 840, ये भी डेबिट बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी। अच्छा 2220, अच्छा ये इधर जाता है 1890 प्लस 1020 2910 10 माइनस 90 माइनस 1800, अच्छा ये हो गया 1020 बाई बैलेंस सीटी, ये भी डेबिट बैलेंस 1020। अच्छा डी का तो कोई बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि ये इसका तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, ये इंसॉल्वेंट बन चुका है, जो मिला मिला, जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट हो गया, तो इसका तो कोई बैलेंस होगा नहीं। अगर अब हमें जो प्रिपेयर करने बोला है उसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, टोटल टोटल ओपनिंग बैलेंस, टोटल ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमें एक साथ सारा डेटर का जो एडजस्टमेंट है वो एक ही जगह पे दिखाना है ना, टोटल डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिर टोटल सेल्स, टोटल कलेक्शन। अच्छा उसके बाद टोटल ओपनिंग बैलेंस, टोटल कलेक्शन, टोटल डिस्काउंट अलाउड,
ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अच्छा टोटल बिल्स रिसीवेबल रिसीप्ट, टोटल बिल्स रिसीवेबल रिसीप्ट। अच्छा और क्या हो सकता है, टोटल बी आर, हाँ टोटल बी आर डिसऑनर और बैड डेप्ट, टोटल बी आर डिसऑनर और टोटल बैड डेप्ट और टोटल क्लोजिंग बैलेंस, ये भी एक आ जाएगा यहाँ ऊपर लिख देते हैं टोटल क्लोजिंग बैलेंस, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ से ही हो जाएगा टोटल ओपनिंग, देखो 1530 ये देखो दिख रहा है 1530, अच्छा उसके बाद 1620, अच्छा उसके बाद 1890 प्लस यहाँ पर हो रहा है 1170, तो ओपनिंग हो जा रहा है 6210, 6210, 6210 ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। अच्छा क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग इसका तो कुछ क्लोजिंग नहीं है, ये तीनों का क्लोजिंग होगा 1710, अच्छा 840 और 1020, तो ये हो गया 3570, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3570, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है 3570। अच्छा टोटल सेल्स, जो भी सेल्स बोल के लिखा हुआ है ए टू सेल्स, तो 1710, अच्छा 600, 1020, बस इसको तो कुछ सेल किया नहीं था, 3330 टोटल सेल्स आ रहा है 3330। अच्छा अच्छा सेल्स के बाद बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर तो एक ही जन ने किया है 1200, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ये लिख देते हैं 1200, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर ये हो गया 1200। अच्छा बैड डेब्ट भी एक जन का हुआ है 819, अच्छा और कलेक्शन, कलेक्शन यानी बाई कैश 1500 1500 300 1500 प्लस 300, अच्छा प्लस 1800 और यहाँ से थोड़ा बहुत मिला है 351, अच्छा ये हो रहा है 3951 3951। अच्छा यहाँ और एक 900 भी था, 900 इसमें दो है, देखो इसमें दो है, 900 भी ऐड होगा। अच्छा तो 900 ऐड होने के बाद 4851, अच्छा यहाँ पर लिख देते प्लस 900 जो छूट गया था 4851 हो गया। अच्छा टोटल डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 30 30 30 90 30 और 90 120, टोटल डिस्काउंट अलाउड 120। अच्छा बिल्स रिसीवेबल जो बाई साइड में है वो रिसीव है, हाँ 1200 बस एक ही जन का है तो 1200 ये हो गया 1200। अच्छा रिसीव्ड और डिसऑनर, वही डिसऑनर हो गया, बैड डेप्ट हो गया। अच्छा और क्या होगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर करने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द इंडिविजुअल डेटर अकाउंट एंड द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, तो इस तरह से लिखेंगे इन सेल्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा बता दो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सीधा डेटर हो रहा है या उल्टा डेटर हो रहा है ये, बताओ। उल्टा होगा ना यहाँ जनरल, हाँ क्योंकि यहाँ जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है तो ये उल्टा डेटर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ध्यान से देखना है कि कहाँ पोस्ट करेंगे, जैसे ओपनिंग डेटर का बैलेंस 6210, नॉर्मली ओपनिंग डेटर यहाँ पुट होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा 6210। अच्छा इसका और इधर वाला कोई बैलेंस तो है नहीं, अच्छा उसके बाद देखो क्लोजिंग है 3570, क्लोजिंग है 3570, तो क्लोजिंग नॉर्मली किधर होता है, ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग इधर होता है, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 3570, क्योंकि सारा का सारा डेबिट बैलेंस था, ठीक है। तो फिर लिखना किधर चाहिए था, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो इधर होता ना डेबिट बैलेंस, तो उल्टा हो रहा है तो इधर होगा। अच्छा अब देखो कैश सेल किया, सॉरी टोटल सेल्स क्रेडिट सेल 3330, तो सेल्स का एंट्री होता है डेटर टू सेल, तो हम लोग इधर लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे
बाई साइड में सेल्स लिख देंगे 3330। अच्छा उसके बाद कलेक्शन, तो पैसा मिला है तो कैश टू डेटर होता है, तो डेटर अकाउंट होता तो बाई कैश लिख देते, अब यहाँ पर लिखेंगे टू साइड में 4851। अच्छा टोटल डिस्काउंट अलाउड, तो डेटर अकाउंट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर होता तो यहां पर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड है 120। अच्छा बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव करने से एंट्री होता है बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बी आर डेबिट होता है तो बी आर इधर क्रेडिट हो जाएगा, बी आर रिसीव्ड हो गया 1200, BR receipt 1200। अच्छा उसके बाद BR dishonor, तो dishonor होने से debtor debit होता है, debtor account debit to BR dishonor, two side होता है, अब इधर होगा BR dishonor, same amount है 1200। अच्छा उसके बाद bad debt हुआ है, तो bad debt होने से debtor account debit to bad debt होता है, सॉरी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, बैड डेब्ट डेबिट लॉस है टू डेटर, डेटर रिड्यूस हो जाएगा तो बाई होना चाहिए था, यहाँ पर लिखेंगे बैड डेब्ट क्रेडिट साइड में हो जाएगा, बैड डेब्ट हुआ है 819 शायद, बैड डेब्ट 819। अच्छा और कुछ है, अच्छा रिटर्न नहीं मैंने नोट किया था शायद, रिटर्न इन्वर्ट, ये जो रिटर्न था रिटर्न 180 का हुआ है, रिटर्न का मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, जहाँ पर मैंने सारा चीज जिस्ट किया है तो वहाँ रिटर्न लिख लेना पड़ेगा। तो रिटर्न होने से क्या होता है, डेटर कम हो जाएगा, रिटर्न डेबिट टू डेटर होता है, डेटर कम हो जाता है तो बाई रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न का अमाउंट था 180 बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर एक बार रिटर्न जो है उसे नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर रिटर्न 180, बाकी सब नोट डाउन किया हुआ है देख सकते हो, ओपनिंग बैंक बैड डेब्ट सब डिस्काउंट अलाउड सब, बस रिटर्न छूट गया था। अच्छा तो यहाँ क्लोज करेंगे 4851 + 120 + 1200 + 819 + 180 + 3570। अच्छा 10,740 टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो सब है, ओपनिंग क्लोजिंग सारा ही दिया हुआ है, टैली हो जाना चाहिए। 6210 - 3330 - 1200 हाँ टैली हो रहा है 10,740, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही दिया हुआ था तो बैलेंस कैसे निकले, बैलेंस तो कुछ निकलेगा नहीं। अब लास्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इलास्ट्रेशन वन। अच्छा इसमें दोनों चीजें प्रिपेयर करने बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर लेजर। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश एंड चेक रिसीप्ट, क्रेडिट सेल्स एज पर सेल्स डे बुक, क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ट, बैड डेब्ट, बिल्स रिसीवेबल रिसीव, डिस्काउंटेड है बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ sundry debtor, transfer from debtor ledger to creditor ledger and transfer from creditor ledger to debtor ledger, ठीक है। तो दोनों अकाउंट ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। इलास्ट्रेशन वन इसका लिखेंगे इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक प्रिपेयर होना चाहिए और एक हो जाएगा इन डेटा लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक है सीधा डेटर और एक है उल्टा डेटर, हम लोग पहले सीधा डेटर करेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो वही करना चाहिए क्योंकि उसमें हमें इजीली समझ में आता है। अच्छा पहले बोला है देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर बताया नहीं है दो बैलेंस है लेकिन कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट, एक्चुअली फर्स्ट वाला डेबिट है और दूसरा वाला क्रेडिट है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस तो जैसे होता है वैसे ब्रॉड डाउन हो जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 40,000 और बाई बैलेंस सी डी 2,000,
यहाँ पर लिखेंगे उल्टा, बाई बैलेंस बी डी और टू बैलेंस बी डी, ये तो होगा ही, लेकिन डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है कैश एंड चेक रिसिप्ट 1,60,000। तो कैश एंड चेक रिसिप्ट क्या हो जाएगा, कैश मिलने से डेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कलेक्शन, कलेक्शन हुआ है कितने का, 1,60,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे कलेक्शन टू डेटर लेजर अकाउंट कलेक्शन 1,60,000। अच्छा, उसके बाद है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल हुआ है तो क्या एंट्री होगा, डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल होने से डेटर टू सेल्स, तो टू साइड में होना चाहिए, सेल्स कितना हुआ है 2,00,000। अच्छा, अब इसमें इधर आएगा तो इसमें इधर आ जाएगा, बाई डेटर लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पर हो गया सेल्स 2,00,000। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 6,000, डिस्काउंट अलाउड 6,000, इसका इधर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड 6,000। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड के बाद रिटर्न इनवर्ड 4,000, रिटर्न हो रहा है 4,000, तो रिटर्न होने से डेटर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डेटर कम होने से डेटर क्रेडिट होगा, तो रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो ये हो गया 4,000, इसमें यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेटर बढ़ने से कम होने से इधर होता है, बढ़ने से इधर होता है, तो इसमें इसका उल्टा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद रिटर्न हो गया, रिटर्न 4,000, बैड डेप्ट 3,000, बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट होने से भी डेटर कम होगा, जैसे रिटर्न के लिए कम होता है, बैड डेप्ट इधर आ जाएगा 3,000, तो इसमें भी हो जाएगा बैड डेप्ट 3,000। अच्छा, बैड डेप्ट के बाद बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट, तो बिल्स रिसीवेबल रिसिप्ट का एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, डेटर रिड्यूस हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल रिसीप्ट कितना है 20,000, बी आर रिसीप्ट 20,000। अच्छा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड का क्या एंट्री होगा, बिल्स हम लोग डिस्काउंट करवाने कब जाते हैं, ये मैंने बताया था जब हम लोग बिल को टिल द मैच्योरिटी होल्ड नहीं करना चाहते हैं, मिडिल में ही हमें पैसे का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग बैंक में जाके बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवाने से बैंक हमारे हमें तुरंत पैसा दे देता है मैच्योरिटी डेट के पहले, और उसमें कुछ पैसा काट लेता है, ठीक है, जैसे बैंक से जब हम लोग पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सपोज ये अगर इसमें डिस्काउंट 2,000 है, ठीक है, तो मेरा 2,000 का लॉस हो जाएगा, मतलब बैंक ने मुझे 2,000 पेमेंट नहीं किया, ठीक है, सपोज अगर ये बिल था 12,000 का, तो 10,000 मुझे मिला, 2,000 नहीं दिया गया, 2 क्या हो जाएगा, अब बैंक को क्या देने से वो मेरा बिल डिस्काउंट कर देगा, बैंक को क्या हैंड ओवर करना पड़ेगा, मेरा कंडीशन तो पहले ऐसे था डेटर टू सेल हुआ था, फिर मैंने बी आर टू डेटर कर दिया, मैंने डेटर को कैंसिल कर दिया, बी आर टू सेल्स था, अब मेरे पास बचा था बिल्स, क्योंकि मैंने सेल किया था किसी को, ठीक है, अब ये बिल्स को मुझे ले जाना पड़ा बैंक के पास, और बैंक ने मुझे पूरा पैसा नहीं दिया, बोला कि हम पैसा तो देंगे, मेरा बेनिफिट क्या है, तो मुझे तुम कुछ कमीशन दे दो, तो ये बैंक के लिए अपना इनकम है, लेकिन इन जो पार्टी डिस्काउंट करवाना चाह रहा है उसके लिए वो लॉस है, तो उसके पास से क्या चला जाएगा, डिस्काउंट टू बैंक, नहीं बिल चला जाएगा, बिल्स चला जाएगा ना, बिल्स चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल चला गया, ठीक है, तो बताओ क्या इसका एंट्री ये सेल बैलेंसिंग लेजर जो हम लोग कर रहे हैं इसमें होगा, क्योंकि ना तो हमारे पास बैंक अकाउंट है, ना तो हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट है, ना तो हमारे पास बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, हमारे पास जो है वो तो डेटर अकाउंट है, तो बताओ क्या पोस्ट होना, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है ये सब पोस्ट, नहीं होता है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इसका एंट्री बता दो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है,
बैड डेट प्रोविजन कहाँ पर लिखते हैं? फाइनल अकाउंट्स इतना करते हो, बताओ कहाँ लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट? कहाँ से प्रोविजन? पीएल से रिलेटेड, पीएल से, पीएल के डेट, पीएल टू बैड डेट, पीएल टू पीबीडीटी, है ना? तो फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो पीएल अकाउंट बना रहे हैं ना तो पीबीडीटी अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है? पीएल टू पीबीडीटी ये भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर। ठीक से देखो, दिया हुआ है क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर। तो देखो यहाँ पर हम पहले सीधा डेटर से समझाते हैं, तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस हमें लिखना है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है? तो क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, क्रेडिट साइड ज्यादा था तभी तो क्रेडिट बैलेंस आया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर। तो ये पुट कर लिया, अब इसका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी 6000, इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, और बचा क्या, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर एंड ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर। इसका एक बार देखो, इसमें क्या होता है, जब भी ट्रांसफर होगा, ठीक है, ट्रांसफर जब भी होगा, चाहे वो टू हो चाहे वो फ्रॉम हो, ठीक है, ट्रांसफर जब भी होगा, यहां पर लिखते हैं ट्रांसफर टू और ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है, ये हम दिखा देंगे, ये है हमारे पास, इसका डेटा बुक में है, ट्रांसफर टू और ट्रांसफर फ्रॉम, ये दोनों केस में अगर हम लोग सीधा डेटर बना रहे, ठीक है, तो वो हमेशा डेटर के बैलेंस को कम ही करता है, ठीक है, डेटर के बैलेंस को कम करेगा। इसका रीजन ये है, देखो, जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं डेटर लेजर से कुछ अमाउंट क्रेडिटर लेजर में, तो ये तो समझ में आ रहा है कि डेटर लेजर जो है मेरा कम हो जा रहा है, तो डेटर कम होने से इधर होगा, क्योंकि डेटर कम हो रहा है ना, कलेक्शन हो गया डेटर से, डेटर डिक्रीज, डेटर को डिस्काउंट दिए, डेटर कम हो गया, डेटर ने रिटर्न कर दिया, डेटर कम हो गया, बैड डेट हो गया, डेटर कम। अगर देखो तो ये डेटर का नेगेटिव बैलेंस बताता है, ये डेटर का पॉजिटिव बैलेंस बताता है, अगर ये सीधा डेटर अकाउंट है तो, और उल्टा डेटर में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो अब ट्रांसफर टू और ट्रांसफर फ्रॉम, तो ट्रांसफर टू वाला अमाउंट एक बार लिख लेते हैं, ट्रांसफर टू वाला अमाउंट है, ट्रांसफर टू है 1000, ट्रांसफर टू है 1000, ठीक है, और ट्रांसफर फ्रॉम है, एक बार देखो, ट्रांसफर फ्रॉम भी है, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर, ठीक है, मतलब क्रेडिटर से डेटर, मतलब एडजस्ट हो रहा है डेटर और क्रेडिटर में, एडजस्ट हो रहा है, मतलब डेटर के साथ क्रेडिटर को एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल का होता है ना, अपने क्रेडिटर को अपना बिल्स रिसीवेबल से एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब डेटर से एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को कैंसिल करने के चक्कर में डेटर भी रिड्यूस हो रहा है। इसीलिए जब भी हम लोग सेल बैलेंसिंग लेजर करेंगे तो हमारा जो ट्रांसफर टू हो या ट्रांसफर फ्रॉम हो, ये हमेशा हमारे डेटर को रिड्यूस ही करेगा। ये नोट एक बार लिख लो कि जब भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, चाहे वो ट्रांसफर टू हो चाहे वो ट्रांसफर फ्रॉम हो, ये हमारे डेटर को डिक्रीज करेगा, इसीलिए ये ऑलवेज डिक्रीज साइड में बैठेगा जो हमारा सीधा डेटर है। अब सीधा डेटर समझ में आता है, तो उल्टा डेटर में तो इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसफर टू 1000 और ट्रांसफर फ्रॉम 1200, यहां पर जो होगा ये समझ में आता है, तो इसमें इसका उल्टा करो, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, और जब क्रेडिटर लेजर करेंगे, जो पॉइंट शायद लास्ट तीन क्वेश्चन में आया था, जो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, वहां पर ट्रांसफर टू हो या ट्रांसफर फ्रॉम हो, वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा, इसका ऑपोजिट आएगा, ठीक है, इसका ऑपोजिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट के केस में क्या होता है, क्रेडिट के केस में जो प्लस होगा वो इधर होगा, क्योंकि परचेस टू क्रेडिटर, ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लो ये क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो क्रेडिटर का क्या एंट्री होता है, परचेस टू क्रेडिटर, तो बाई परचेस, ठीक है, परचेस किया, और क्रेडिटर कब बढ़ता है, जब क्रेडिट होता है, तो इधर प्लस होता है क्रेडिटर लेजर अकाउंट का, क्रेडिटर अकाउंट ही एक बार मान लेते हैं, देखो हम सीधा बता देते हैं, क्रेडिटर अकाउंट जो है उसमें, या फिर क्रेडिटर लेजर अकाउंट, एक ही बात है, इसमें प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, ठीक है, माइनस इधर होगा। तो जब ट्रांसफर टू या ट्रांसफर फ्रॉम आएगा, ट्रांसफर टू या ट्रांसफर फ्रॉम आएगा सीधा क्रेडिटर में, वो हमेशा इधर आएगा, क्योंकि वो क्रेडिटर के अमाउंट को कम करेगा, ठीक है।
जब ट्रांसफर क्रेडिटर लेजर से हो जाएगा तो भी कम करेगा, और जब डेटर के साथ एडजस्ट होगा तो भी वो रिड्यूस करवाएगा, इसीलिए उधर होगा। ठीक है, तो जो सीधा वाला याद रख पाओगे तो उल्टा वाला भी हो जाएगा। क्रेडिटर का ट्रांसफर टू हो या फ्रॉम हो वो हमेशा इधर आएगा, और डेटर का ट्रांसफर टू या फ्रॉम हो वो इधर आएगा। मतलब डेटर का ट्रांसफर हमेशा डेटर को कम करता है, या टू हो या फ्रॉम हो, और क्रेडिटर में भी रिड्यूस करता है। अब इसका टोटल एक बार कर लेते हैं, देखो 2 लाख और 40,000 और 6,000, 2 लाख 46,000, 2 लाख 46,000, इसका माइनस करना पड़ेगा 2,000 और 2,000, 1,60,000, 6,000, 4,000, अच्छा 3,000, 21, अच्छा 1200 भी बचा हुआ, 1200 माइनस 2,46,000, तो ये हो रहा है 48,800। बैलेंस लिख सकते हैं, बाई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बैलेंस, अच्छा इसमें भी लिखेंगे 2,46,000, इसका बैलेंस इधर आ जाएगा, बैलेंस 48,800, यहाँ पर 2,46,000। तो यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट था, एक तो ये ट्रांसफर वाला हमें नोट करना चाहिए, और दूसरा कौन कौन सा एंट्री नहीं जाता है, कौन कौन सा एंट्री नहीं जाता है वो एक बार हम यहाँ पर जिस्ट कर देते हैं। जैसे कि प्रोविजन, प्रोविजन नहीं जाएगा, अगर किसी भी तरह का प्रोविजन होगा वो नहीं जाएगा। प्रोविजन फॉर PBDD, ये एंट्री नहीं आएगा। सेल बैलेंसिंग लेजर में कौन कौन सा नहीं आएगा उसका एक जितना हो सके इसका एक जिस्ट कर देते हैं। अच्छा, डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ये भी कभी नहीं आता है, रीजन तो बता दिया, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ये नहीं आएगा। अच्छा, और क्या नहीं आएगा, प्रोविजन हो या रिजर्व, ठीक है, लैंग्वेज जो भी हो, ये नहीं आएगा। अच्छा, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट, ये भी आज देखा हम लोगों ने, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट ये नहीं आएगा, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट ये नहीं आएगा। फोर्थ नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगर होता है ये भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैंने चार एक लिख दिया, लिस्ट कर दिया। नॉर्मली यही रहता है कि ये सारा चीज कभी भी सेल बैलेंसिंग लेजर में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, और ट्रांसफर वाला भी लिख देते हैं, ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन केस ऑफ डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज ऑलवेज पुट ऑन क्रेडिट साइड एज रिड्यूस्ड डेटर। और डेटर देखो, अभी मैंने बताया ये सारे रीजन से डेटर रिड्यूस होता है, और जो उल्टा डेटर होगा उसमें उल्टा हो जाएगा, अब वो हम नहीं लिख रहे हैं। और ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन केस ऑफ क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी सीधा क्रेडिटर, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब ही हो गया सीधा क्रेडिटर, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पुट ऑन डेबिट साइड, पुट ऑन डेबिट साइड एज रिड्यूस्ड, एज रिड्यूस्ड क्रेडिटर, बस, क्योंकि ये क्रेडिटर को रिड्यूस करेगा। क्रेडिटर लेजर से चला जाएगा अमाउंट तो भी क्रेडिटर को रिड्यूस कर रहा है, और डेटर के साथ एडजस्ट होगा तो भी क्रेडिटर को रिड्यूस कर रहा है, यानी कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। ये दो अगर नोट कर लेते हो, नहीं भी करते हो तो इतना बार बताया मैंने, दिमाग में रह जाना चाहिए, समझ जाते हो तो नोट नहीं करके भी चलेगा, अदरवाइज एक बार कर लो, रिविजन करते हुए तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा सेल बैलेंसिंग लेजर का जो भी था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अच्छा, अब एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते, जस्ट थोड़ा सा बताते देखो इसके बारे में। अच्छा, पहले ये नोट देखो,
ये तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना, जिन लोग के पास लिखा हुआ है ठीक है, जिन लोग के पास लिखा हुआ नहीं है वो लोग प्लीज एक बार कॉपी में लिख लो। हम और लिखवा नहीं रहे क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर मेरा हैंडराइटिंग इतना खराब भी नहीं है कि तुम लोग लिख नहीं पाओगे, ठीक ही है तो तुम लोग लिख पाओगे, इसीलिए मैंने और यहाँ पर लिखवाया नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है दिख रहा है तुम लोग को, देखो हम लोग पढ़ने वाले इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, नॉर्मली घर पे तो सबको इंश्योरेंस करवाते ही हैं हम लोग ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो दो तरह का होता है ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग अपने लिए इंश्योरेंस करवा सकता है और एक बिजनेसमैन अपने स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवा सकता है या फिर अपने प्रॉफिट के ऊपर इंश्योरेंस करवा सकता है। तो हमें क्या करना है, मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस होता है वो यहाँ पर नहीं पड़ रहे ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम जो कि बिजनेस रिलेटेड है। और यहाँ पर हम लोग दो तरह का इंश्योरेंस क्लेम पढ़ेंगे कि एक बिजनेसमैन अगर अपने स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवाता है तो किस तरह से वो क्लेम जो है ले पाता है इंश्योरेंस कंपनी से, कैसे उसे कैलकुलेट करना चाहिए। और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक तो स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवा सकता है और एक करवा सकता है प्रॉफिट के ऊपर ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर क्लेम ले सकता है अगर उसने इंश्योरेंस प्रॉफिट के ऊपर करवाया है। अब प्रॉफिट के ऊपर कैसे करवाएगा, स्टॉक के ऊपर तो समझ में आ रहा है कि स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड करवा लिया, तो अगर बाई चांस स्टॉक एक्सीडेंटली बर्बाद हो जाता है तो उसके ऊपर क्लेम मिल जाएगा प्रोपोर्शनेटली करके ठीक है, जिस तरह से प्रीमियम वगैरह अगर क्लियर रहेगा तो क्लेम मिलेगा। और प्रॉफिट के ऊपर किस तरह से क्लेम मिल सकता है, प्रॉफिट के ऊपर भी उसका एक प्रोसीड्योर है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना कैलकुलेशन है, हमें वो सीखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी क्या स्टेप्स फॉलो करती है क्लेम देने के लिए। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर कैसे इंश्योरेंस किया जाता है, इसमें इंश्योरेंस का ये मतलब होता है कि हम लोग स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, जो स्टॉक जल गया वो स्टॉक तो हम लोग बेचने के लिए ही खरीदे थे, बिकॉज हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक इसीलिए हमारे गोडाउन में है क्योंकि हम लोग को उसे बेच के प्रॉफिट अर्न करना है। तो जो प्रॉफिट अर्न हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हो गया बाय एक्सीडेंटली जो भी रीजन हो, तो इस वजह से जो प्रॉफिट हम लोग अर्न कर पाते बट नहीं कर पाए उसके ऊपर क्लेम जो है, मतलब उसके ऊपर भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस जो है उसके ऊपर भी हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो तरह का टॉपिक पढ़ना पड़ता है, एक होता है इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ स्टॉक, एक होता है इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उन लोगों को स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवाना है या फिर प्रॉफिट के ऊपर करवाना है, ये उनका चॉइस है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स ड्यू टू फायर एंड फायर और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ठीक है। तो एक ये पढ़ना है और बी पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ क्लेम ड्यू टू फायर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ठीक है, मतलब वही लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, दो तरह का चीज हमें यहाँ पर रीड करना है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, व्हेनेवर फायर ऑकर एंड स्टॉक इज लॉस्ट, अगर कभी भी फायर होता है तो ऑब्वियसली स्टॉक लॉस हो जाएगा, अलोंग विद स्टोर लेजर। अब ये स्टोर लेजर का मतलब क्या है, स्टोर लेजर का मतलब है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रहा था, आग लगने से वो भी तो जल सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि आग लगने से सिर्फ स्टॉक ही जलेगा, आसपास जो भी रहेगा आग जितना फैलेगा उस हिसाब से सारा चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये स्टोर लेजर का बात क्यों आया, अगर हमारे पास स्टोर लेजर हो और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक जितना स्टॉक लॉस होगा उसके ऊपर क्लेम लेंगे, उसी हिसाब से हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखें। तो अगर मेरे पास स्टोर लेजर होगा तो मुझे तो पता रहेगा ना मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, मैंने कितना परचेस किया, कितना सेल किया, और जैसे ही मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक का डेटा मिल जाएगा, मुझे मेरे परचेस का डेटा मिल जाएगा किसी भी एक साल में, और मुझे मेरे सेल का डेटा मिल जाएगा, सेल का डेटा मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे गोडाउन में कितना क्लोजिंग स्टॉक था ठीक है। बट ये सेल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि ये दो कॉस्ट में है तो ये सेल माइनस कैसे करें, सेल तो नहीं कर सकते,
माइनस करना पड़ेगा वो सेल का अमाउंट, मतलब सेल जो किया है उसका कॉस्ट अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, परचेस का वैल्यू और हमारा जो सेल हुआ है उसका कॉस्ट वैल्यू अगर हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर स्टोर लेजर भी जल गया है तो कैसे कैलकुलेट करें? तो वही बोल रहा है, व्हेनेवर फायर ऑकर एंड स्टॉक इज लॉस्ट अलोंग विद स्टोर लेजर देन सच लॉस्ट स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज फॉलोस। कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर फिटिंग क्लेम्स विद इंश्योरेंस कंपनी, ताकि हम लोग अपना क्लेम क्या है वो फिट कर पाए इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो स्टेप वन क्या हमें फॉलो करना है? अब ये जो है ये मैथमेटिकल प्रोसीड्योर्स दिया हुआ है कि किस तरह से करना पड़ेगा, ये हम सिखा देंगे। स्टेप वन क्या करना है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ, देखो लिखा हुआ है अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप वन बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। एक बार हम मेरा जो हैंड राइटिंग इसे रीड कर देते हैं। स्टेप टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर। एक तो बोला है प्रीवियस ईयर का करेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है। सपोज ये दो साल है, ये एक साल है, ये एक साल है। इस साल जो है, इस साल अगर फायर ऑकर हुआ है तो प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो बनाओ और इस साल का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। कब तक का बनाएंगे? जब तक जिस दिन आग लगा था। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर अप टू डेट ऑफ फायर। अच्छा, अप टू डेट ऑफ फायर। अच्छा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल, ये काट दिया मैंने। इन सच ट्रेडिंग अकाउंट जीपी शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा यहाँ पर हम लोग जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ सेल के हिसाब से। बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये सब क्या है, ये करने से ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बाद स्टेप थ्री में देखो। स्टॉक नॉर्मल और पीएसएल, पीएसएल मतलब पोर सेलिंग लाइन होता है, ये जब बताएंगे तो समझ में आएगा। बेसिक सा बात है, जो स्टॉक जल गया है, एक बार ये कंसेप्ट को भूल जाओ। स्टॉक जो कैलकुलेट करके हमें मिला दैट इज द टोटल स्टॉक जो पड़ा हुआ था गोडाउन में जिस दिन आग लगा था। अब सैलवेज का मतलब, अब आग लग रहा है, इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो क्या खड़े खड़े देखते रहेंगे? नहीं, आग बुझाने का कोशिश करेंगे ना। तो आग बुझाने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत स्टॉक तो बच जाएगा। जो स्टॉक बच जाता है उसे कहते हैं सैलवेज, ठीक है, उसे कहते हैं सैलवेज। अब तुम लोग सोच रहे होगे इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो फिर हम लोग रोके क्यों? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें दोनों का ही लॉस है। जब आगे सम्स करेंगे तो देखेंगे कि इसमें ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का ही लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सैलवेज मतलब बेसिक सा बात है कि जो हमारा स्टॉक हम लोगों ने बचा लिया, और उसके साथ फायर फाइटिंग एक्सपेंस जोड़ा जाएगा। ये भी हम बताएंगे जब पॉइंट आएगा कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्यों ऐड होता है। यहाँ पर बस अभी इतना समझो कि जो स्टॉक जल गया उसमें से जो बच गया उसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा। सपोज मेरा 10,000 रुपीज का स्टॉक था गोडाउन में, ये मुझे पता चल गया जब आग लगा, लेकिन कोशिश करके मैंने 2,000 का स्टॉक बचा लिया, दैट इज सैलवेज। तो 8,000 का स्टॉक के ऊपर मुझे क्लेम मिलेगा, जो बच गया उसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम उतने पे ही मिलता है जितना लॉस होता है। अच्छा, अब हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। क्लेम कैसे कैलकुलेट करें? अब ये फॉर्मूला कैसे आया? जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि कितना टोटल परसेंट हमें मिला है एग्जाम में, उसी तरह से जैसे कि टोटल स्टॉक, कितना स्टॉक था उसमें से कितना जल गया, दैट इज टोटल लॉस, यानी परसेंटेज ऑफ लॉस हमें पता चल गया। अब हम लोगों ने जितने रुपए का इंश्योरेंस करवा के रखा था उसी उसके ऊपर इतने परसेंटेज में हमें मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा टोटल स्टॉक था सपोज 10,000 और मैंने 2,000 का स्टॉक बचा लिया, मेरा लॉस है 8,000। मतलब परसेंटेज ऑफ लॉस अगर हम लोग डिसाइड करें तो 80% मेरा लॉस हुआ है स्टॉक का, ठीक है। और मेरा इंश्योरेंस क्लेम मतलब पॉलिसी अमाउंट जो है वो 1,00,000 का है, ठीक है, 1,00,000 का पॉलिसी अमाउंट है। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम देगी? जितना परसेंट मेरा लॉस हुआ है, तो 1,00,000 का 80% ही मुझे मिलेगा, 1,00,000 नहीं मिलेगा, जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा। यानी 80,000 मुझे क्या मिल जाएगा? 80,000 रुपीज का मुझे क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्लेम कैलकुलेट करेंगे। ये हुआ बेसिक पॉइंट कि क्या करना है हमें। अच्छा, उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग सम्स करते हुए समझेंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है। ये अभी नहीं बोल रहे, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसा होता है इसका क्वेश्चन। अच्छा,
एक एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, इससे समझते हैं. ऑन 3rd June 2013, फायर ऑकर्ड इन गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड एंड स्टॉक वॉज लॉस्ट. स्टॉक वॉज लॉस्ट. फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट, या फिर फाइल्ड लिख दो, टू बी फाइल्ड फॉर लॉस. एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दे रहे हैं. ओपनिंग स्टॉक रुपीज 1 lakh ऑन 1/1/13. परचेज फ्रॉम 1/1/13 से लेके 3/6/13 तक 6 lakh. पॉइंट थ्री, जीपी रेशियो इन 2012 वाज 25%. फोर्थ पॉइंट, सेल्स फ्रॉम 1/1/13 टू 3rd of June 2013 4 lakh 50. अच्छा, फिफ्थ, स्टॉक सैलवेज इज रुपीज 50,000 और सिक्स्थ नंबर, पॉलिसी अमाउंट इज रुपीज 80,000. अच्छा, ये सब डेटा दे दिया है हमें, ठीक है. अच्छा, अब इसे करना कैसे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि एक गोडाउन है, गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है, गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड. ये गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड है और 3rd June 2013 को फायर ऑकर हुआ इन गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड एंड स्टॉक वॉज लॉस्ट. फाइंड आउट अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी फाइल्ड फॉर लॉस. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक है 1 lakh. तो ये गोडाउन है. अब जब यहाँ पर आग लगा तो यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक था, सपोज ये स्टॉक है, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर लिख देते हैं. ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, 1 lakh रुपीज का, ठीक है. मतलब ये स्टॉक जो व्हाइट कलर से मैंने किया, ये 1 lakh का स्टॉक है. परचेज हुआ है 1/1/13 से लेके, मतलब ओपनिंग जिस जो स्टॉक है ऑन दैट मोमेंट 1/1/13, मतलब जब नेक्स्ट ईयर हो रहा है 1/1/13 से लेके 3rd June 2013 तक, सॉरी 3rd June 2013 तक, मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन तक का परचेस कितना है 6 lakh. उस दिन तक का परचेस कितना है 6 lakh. तो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये जो नया परचेस किया हुआ था, तो ये भी गोडाउन में पहुंच गया. परचेस रुपीज 6 lakh, तो 6 lakh का ये स्टॉक हो गया. तो टोटल इतना स्टॉक है, ठीक है. अब मान लो यही पर, यहाँ पर ही स्टोर लेजर भी है. स्टोर लेजर का मतलब वो बुक्स, ठीक है, जहां पर सारा हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है. ये मान लो बुक्स है, यहाँ पर सब एंट्री वेंट्री लिखा हुआ है, ये बुक्स है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है. तो ये भी गोडाउन में है. तो आग अगर लग रहा है गोडाउन में, अगर आग लग गया, सपोज ये देखो गोडाउन में अगर आग लग गया है, तो ये भी जल रहा होगा, ये स्टॉक के साथ ये भी सारा चीज जल रहा होगा, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीपी रेशियो बता रहा है 2012 का 25% है, ठीक है. जीपी रेशियो प्रीवियस ईयर, पिछले साल 25% था. अब यहाँ पर बता रहा है सेल्स फ्रॉम 1/1/13 तो 3rd June 2013, आग लगने के पहले तक का सेल्स बताया है 4 lakh 50, ठीक है. तो आउटफ्लो ऑफ स्टॉक कितना हो गया, स्टॉक
सेल मतलब ये तो टोटल 7 लाख का स्टॉक हो गया, 6 लाख और 1 लाख, 7 लाख, लेकिन सेल हुआ है कितने का, 4 लाख 50 का सेल हुआ है, ठीक है, 4 लाख 50 का सेल हो गया है, मतलब ये सारा स्टॉक तो जल नहीं सकता, इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चल गया कि सारा स्टॉक तो जल नहीं सकता है, इतना सेल हुआ है, तो ये सेल हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्टॉक सैलवेज, अब ये लोग कोशिश तो करेगा, खड़े खड़े थोड़ी ना देख रहा है, जिसका बिजनेस है वो खड़े खड़े नहीं देख रहा है, वो कुछ ना कुछ तो करने का कोशिश करेगा, वो आग रोकने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आग रोकने का कोशिश किया, इसमें सैलवेज जो है वो कितना हो गया देख लेते हैं, सैलवेज हो गया है हमारा 50,000, ठीक है, स्टॉक 50,000 का बचा लिया। अच्छा पॉलिसी क्या हुआ, अब इसको याद आया कि मेरा पॉलिसी क्या हुआ है, मुझे क्लेम मिल जाएगा, पॉलिसी का पेपर इसके पास है, पॉलिसी क्या हुआ है इसके पास कितने का, 80,000 का इसके पास पॉलिसी का पेपर है इसके हाथ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके हमें अपना क्लेम लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, देखो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि बताओ जिस दिन आग लगा उस दिन तुम्हारे गोडाउन में कितना स्टॉक था, तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग ये बताएंगे कि मेरा ओपनिंग तो था कितना 1 लाख और मैंने परचेस किया था 6 लाख, तो मेरा टोटल 7 लाख का तो यहाँ पर था, ठीक है। तो अब मैंने इसमें से जो सेल कर दिया वो स्टॉक तो मेरा कम हो जाएगा, मैंने जो सेल कर दिया वो तो जल नहीं सकता है ना, सेल करने से तो वो कस्टमर के पास पहुंच गया, तो अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर इसका मतलब सेल करने के बाद इसका कितना स्टॉक था वही जल सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ जल नहीं सकता है, बताओ सेल कितना हुआ, सेल हुआ है 4,50,000, ठीक है, 5 लाख, हाँ बताओ 4 लाख, हाँ बताओ कितना हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग 2 लाख हो रहा है, नहीं तो फिर से वही सैलवेज, हाँ सैलवेज 2,50,000 नहीं कैसे 2,50,000, क्योंकि तुम लोग 4,50,000 माइनस कर दे रहे हो, बट 4,50,000 इज सेल वैल्यू, ठीक है, सेल, सेल मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो कॉस्ट है स्टॉक का, ये भी कॉस्ट है, तो यहाँ से हम सेल कैसे माइनस करते, मुझे क्या माइनस करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो मैंने सेल किया उसका कॉस्ट बताओ, इंश्योरेंस कंपनी को अगर तुम 4,500,000 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा ही तो लॉस है, अभी दिखाते हैं, 7 लाख का स्टॉक था, हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, नहीं हटाने से क्या लॉस है वो भी हम दिखा देते हैं, प्रॉफिट हटाओ, अब हमें नहीं पता कि इस बार प्रॉफिट कितना होने वाला था, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट दैट इज फाइनल अकाउंट बना ही नहीं उसके पहले ये आग लग गया, अब क्या पता क्या प्रॉफिट होने वाला था इस बार, तो इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स ये है कि अगर हमें नहीं पता कि हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला था, तो एक ही हमारे पास चारा है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट में जाए और ये मान के चले कि हमारा पिछले बार जो प्रॉफिट हुआ था कम से कम इतना तो कमा ही लेते इस बार, तो मेरा उतना प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए यहां पर अगर देखो तो मेरे नोट्स में यहां पर एक चीज दिया हुआ है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, अगर पिछले बार का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है तो स्टेप वन हमारा यही होना चाहिए कि हम लोग पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करें, और इसके साथ साथ नोट्स में देखो, अब नोट्स हम रिलेट करके देते हैं, इफ जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इज गिवन इन क्वेश्चन, जैसा कि मेरे इस एग्जाम्पल में है, स्टेप वन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी जीपी रेशियो अर्लियर ईयर का कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, लो मैंने रिलेट करवा दिया कि क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स में, नोट्स वन का मतलब और स्टेप वन का मतलब, यहाँ पर स्टेप वन का मतलब और क्यों हमें ये करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं है, मेरा बिजनेस कंप्लीट ही नहीं हुआ इस साल और आग लग गया, अब कैसे पता क्या प्रॉफिट है, तो फिर एक ही उपाय है कि जो पिछले वाला प्रॉफिट था उसी को इस साल का मान लो, तो बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, माइनस करके दिखाओ 4,50,000 से परसेंटेज ऑफ जीपी जो कि 25% है, बताओ कितना होगा, 25% ये लिखा था ना मैंने, ये इसीलिए कितना होगा 4,50,000 इंटू 25% प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,12,500, तो 3,37,500 का मेरा कॉस्ट है, तो 7 लाख में से 3,37,500 का क्या हो गया है, मेरा सेल हो गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर सीओजीएस भी बोल सकते हो,
तो मेरा स्टॉक कितना बचेगा, 3,62,500। 3,62,500 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब कैलकुलेशन किया अपने हिसाब से, और ये आया 3,62,500। और जो जिसके गोडाउन में आग लगा है वो भी कैलकुलेट करेगा। अब तुम लोग जो बोल रहे थे, अगर तुम लोग 7 लाख से 4,50,000 कर लेते हो तो क्या इफेक्ट होगा, देखो वो भी समझ लो। 7 लाख में से अगर 4,50,000 है तो वैसे गलत, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है बताओ, एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,62,500, और तुम ये इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हो कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 2,50,000। बताओ तुम्हारा लॉस है कि नहीं है? अगर मेरा क्लोजिंग लॉस हाँ, तो फिर ये नहीं दिखा सकते हैं। और ये ऐसे तो ये कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि कॉस्ट से कभी हम लोग सेल वैल्यू माइनस कर नहीं सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट से सेल वैल्यू माइनस कर ही नहीं सकते। तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, ठीक है, जो मैंने रफली बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी पहले आएगी और देखेगी कि कितना स्टॉक था गोडाउन में। पता चल गया 3,62,500 का स्टॉक था और जब आग लगा, और उसमें से इन लोगों ने बचा लिया 50,000, तो उसके ऊपर भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देने वाली। जो तुमने बचा लिया उस पे क्यों दे, लेस सैलवेज, ठीक है, 50,000 का स्टॉक बचा लिया गया है, तो 3,62,500 था उसमें से 50,000 बचा लिए, तो कितना हुआ एक्चुअली लॉस, कितना हुआ ये क्लोजिंग स्टॉक, इसे बोलेंगे टोटल लॉस। पूरा इतना लॉस नहीं हुआ, पूरा इतना लॉस नहीं हुआ, 50,000 बचा लिए, तो 3,12,500, 10 ज्यादा हो गया, 3,12,500 का जो है टोटल लॉस हुआ है स्टॉक, ये लॉस हुआ है। अब इस पे क्लेम मिलेगा, ठीक है, तो देखते हैं कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो टोटल स्टॉक था 3,62,500, उस पे लॉस हुआ है 3,12,500, दिस इज द परसेंटेज लॉस, है ना, कि जैसे मुझे मार्क्स मिला है सपोज 100 में 75, तो 75% ना, उसी तरह से टोटल स्टॉक में इतना स्टॉक जल गया है, ठीक है। अब कितना परसेंटेज हो रहा है, 3,12,500 डिवाइडेड बाई 3,62,500, तो करीब करीब ये 86% हो रहा है, परसेंट करने का जरूरत नहीं है। अब 86% मेरा लॉस है, तो मुझे पॉलिसी अमाउंट का 86% मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज 80,000, क्योंकि मैंने इंश्योर्ड करवाया है 80,000 तक का, मेरा पॉलिसी अमाउंट 80,000 का मतलब है मेरा जो क्लेम है वो मैक्स टू मैक्स 80,000 जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा प्रोपोर्शनेट क्या हो रहा है। तो प्रोपोर्शनेट क्या हो रहा है, 80,000 मेरा टोटल स्टॉक में 80,000 इंश्योर्ड है, इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये रेशियो होने का मतलब है कितना परसेंटेज लॉस है। अगर उसकी जगह हम ये रेशियो देखें, ये भी तो डिवाइड फॉर्म में है, इस रेशियो का मतलब है मेरा कितना स्टॉक इंश्योर्ड है। मेरा टोटल स्टॉक गोडाउन में था 3,62,500, मैंने पॉलिसी अमाउंट मेरा जो मिलने वाला है वो 80,000 है, मतलब हम 80,000 रुपीज तक इंश्योर्ड है। तो मुझे 80,000 मतलब हम कितने परसेंट इंश्योर्ड है, 80,000 डिवाइडेड बाई 3,62,500, हम इंश्योर्ड है 22%, तो मेरा जितना भी स्टॉक लॉस होगा मुझे उसका 22% मिलेगा। देखो हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो कितना परसेंट इंश्योर्ड है और एक कितना परसेंट स्टॉक चला है, पॉलिसी अमाउंट के हिसाब से उसके प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, या फिर कितना हमारा स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड है उसके हिसाब से जितना स्टॉक लॉस हुआ है हमें प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। दोनों केस में आंसर तो सेम आएगा, मैंने फॉर्मूला का मतलब बता दिया। अब 3,12,500 डिवाइडेड बाई 3,62,500 इंटू 80,000, तो ये अमाउंट आ रहा है 6,89,600, ये 5.5 आ रहा है, इसे हम 6 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो मैंने रफली बताया, अब इसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए देखो। अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन देखो क्या होगा। स्टेप वन तो मैंने बताया कि जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का जीपी ना रहे, जो कि इस क्वेश्चन में हमें करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग स्टेप टू में जाएंगे, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर, जिस साल आग लग रहा है, अप टू डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि स्टेप वन तो हमें करना नहीं है बिकॉज हमारे पास अर्लियर ईयर का जीपी है। ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/13 से लेके अप टू डेट ऑफ फायर यानी 3rd of June 2013। अब यहाँ पर ट्रेडिंग जैसे बनता है, ट्रेडिंग में क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर एक बार तुम लोग देखो तो है 1,00,000 का, और परचेस किया था 6,00,000 का, टोटल 7,00,000 हुआ था, परचेस 6,00,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बाई
सेल्स, सेल्स हुआ था 4.5 लाख का, और इसका जीपी हम लोगों ने बुक किया प्रीवियस ईयर के हिसाब से एट द रेट ऑफ 25% के हिसाब से, तो 1,12,500, और फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ये सब हम लोगों ने कर लिया, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यहाँ हमें बैलेंसिंग फिगर बोल के लिखना पड़ेगा, ये आया 3,62,500, तो टोटल हो गया 8,12,500, इधर भी 8,12,500, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब नोट्स के साथ दूसरा स्टेप देख लेते हैं क्या है। अब स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, तो देखो कैसे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, एक्चुअली इसे ना लिख दो कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, हाँ वहां नोट में भी वही लिख लो कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, ये एक बार पॉइंट आउट कर लो। अच्छा कैसे पता चलेगा कितना लॉस है, पहले ये पता करेंगे स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, या फिर डेट दे सकते हैं यहाँ पर दैट इज 3rd of June 2013, कितना था 3,62,500, उसमें से कितना बचा लिया हम लोगों ने, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देने वाली 50,000। अच्छा तो फिर टोटल लॉस पता चल गया, टोटल लॉस, टोटल लॉस हो रहा है माइनस करके कितना आया था यहाँ पर 3,12,500, ठीक है। यहाँ फायर फाइटिंग एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं है तो वो भी हम नहीं समझा रहे। फिर ये हो गया, नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप 4 दैट इज एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम लिखेंगे इसे, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्लेम इक्वल टू फॉर्मूला है, देखो मैंने बताया ना दो चीज हम लोग सोच सकते हैं, या तो हम लोग कितने परसेंट इंश्योर्ड है दैट इज पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक, जितने परसेंट इंश्योर्ड है और कितना हमारा लॉस हुआ है, ऐसे ठीक है फॉर्मूला समझोगे तो याद रख पाओगे। पॉलिसी वैल्यू है 80,000 शायद, अच्छा पॉलिसी वैल्यू है 80,000, टोटल स्टॉक है 3,62,500 और लॉस जो हुआ है 3,12,500, तो ये हो गया 6,896,5.5 था 6, ठीक है। तो ये रुपीस इतना क्लेम हमें मिल जाएगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये पॉइंट वगैरह में आया था, तो ये चीज हमें करना है। तो मैंने एक बार बेसिक आइडिया दिया तुम लोगों को कि क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन देंगे जो कि तुम लोग कर पाओ, इसके रिलेटेड देंगे, लेकिन फर्स्ट तुम लोग को करना क्या है ये एक बार हम बता देते हैं। ये पूरा लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है, अपने हाथों से लिख लेना है सारा चीज, ये हम शेयर कर देंगे और कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे ताकि तुम लोग कर पाओ, ऐसा ही क्वेश्चन शेयर करेंगे जो अभी मैंने करवाया तुम लोग को इस टाइप में, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट दिन करेंगे। ओके ओके ओके।